चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों प्रोनाउन। क्या डेफिनेशन है प्रोनाउन की, क्या मीनिंग होता है? एक बार मीनिंग देखो, जैसे नाउन का मतलब संज्ञा, इसका मतलब होता है सर्वनाम। अब ये क्या है, पहले तो इसकी दो डेफिनेशन की बात करें। अगर बच्चों से मैं पूछता हूँ प्रोनाउन क्या है, तो वो यूं कहते हैं जो नाउन की जगह पर आए, बस इतना बोल देते हैं। जगह वगैरह क्या, नाउन को जगह छोड़नी पड़ेगी, जगह पर नहीं आए। अगर मैं बार बार राम मार्केट जाता है, राम लोगों से मिलता है, तो बार बार ये रिपीटिशन हो जाती है राम की, बस इस रिपीटिशन को रोकने के लिए राम के लिए ही लिख देते हैं, ठीक है। सीमा को बार बार यूज करोगे, सीमा मार्केट जाती है, सीमा लोगों से मिलती है, सीमा तंग बिचारी, उसकी रिपीटिशन रोकने के लिए शी लिख देते हैं। तो ये नाउन की जगह पर नहीं आ रहा, राम तो लिखा ही हुआ है। जब राम के बारे में एक बात कर ली ना हमने, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गई, अब राम की जगह हम क्या यूज करेंगे बच्चों, ही यूज करेंगे, ठीक है। अब रिपीटिशन नहीं, अब राम नहीं लिखना बार बार। तो इसकी एक डेफिनेशन, ट्राई टू स्टॉप रिपीटिशन, बस इससे काम नहीं चलता, असली डेफिनेशन पे आ जाओ। क्योंकि देखो मैंने लिखा दिस इज अ चेयर, ये सेंटेंस सही है ना। अब बच्चे को मैंने कहा पार्ट ऑफ स्पीच बता, वो तो यूं देखेगा रिपीटिशन रोक के, वो प्रोनाउन है। अरे कौन रिपीटिशन रोक रहा है, मैंने कहा ऑल इज वेल में प्रोनाउन बता। अब वो इसमें भी देखेगा रिपीटिशन किसने रोक दी, ऑल की रिपीटिशन। अरे वो दो सेंटेंस हो तब चल जाता है, एक लाइन लिख दी राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप ही लिख दिया। अरे एक ही लाइन दे दी, उसमें कैसे बताओगे कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। ये रिपीटिशन थोड़ी जगह चलता है, हर नहीं, पर ये डेफिनेशन हर जगह कामयाब है। क्या है ये डेफिनेशन, ऐसा टॉपिक, एक तो नाउन है और एक प्रोनाउन है, जो सेंटेंस में या तो बनता है सब्जेक्ट या बनता है ऑब्जेक्ट या दोनों भी बन सकता है, टाइप में चलेंगे। नाउन है जो राम, सब्जेक्ट की जगह पर भी राम लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय, और ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख लो आई नो राम, स्पेलिंग सेम रही ना, बट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। जैसे आई है, ये सिर्फ सब्जेक्ट बन सकता है, ये स्टार्टिंग में आएगा, बट मी, हिम, आई नो हिम, ऑब्जेक्ट के लिए अलग बने हुए हैं। देखो आई सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, बट नाउन में ऐसा नहीं है। यहां भी राम लिख लो, उधर भी राम लिख सकते हैं, मतलब नाउन में सब्जेक्ट की शक्ल भी राम रहती है, ऑब्जेक्ट की भी राम, बट प्रोनाउन में फैमिली बनी हुई है। आई सब्जेक्टिव केस का, बट अगर वर्ब के बाद लिखना है तो आपको मी लिखना पड़ेगा, प्रीपोजिशन के बाद लिखना है तो मी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इनकी फैमिली बनी हुई है। तो आई कहता है मैं सिर्फ सब्जेक्ट बन सकता हूं, मी कहता है मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बन सकता हूं, पर प्रोनाउन और भी है ग्रामर में, ये रहा दिस, ये दोनों बन सकता है। दिस इज अ चेयर, सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनाओ, आई वॉन्ट व्हाट दिस, ऑब्जेक्ट भी बन गया, सेम रही ना स्पेलिंग नाउन की तरह। तो डेफिनेशन है ऐसा टॉपिक जो सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए या दोनों बन जाए, वो टाइप पे डिपेंड करता है। तो ये डेफिनेशन काम है, भाई इससे ज्यादा अच्छा सीखोगे। जैसे मैं लिखा दिस इज अ चेयर, देख रहे हो दिस सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, कोई रिपीटेशन का चक्कर नहीं। वर्ब सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, नाउन तो ये है नहीं ना, ना कॉमन ना प्रॉपर, प्रोनाउन है, टाइप देख लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, रिपीटेशन रोक के दिखा देते हैं एक बार। मैंने लिखा बच्चों राम इज अ गुड बॉय, इसकी रिपीटेशन रोको, बार बार राम नहीं बोलना। तो अब आपको देखो सब्जेक्ट की जगह खाली है, तो आपने लिखा ही, बट ये नहीं रट लेना कि राम के लिए बस ही आता है। अरे हिम भी उसी के लिए ही आता है, बट कहां, वर्ब के बाद। अब फाउंड, राम अच्छा लड़का है, वो जल्दी उठता है, ही लिख दिया, बार बार राम नहीं बोलना। आई फाउंड, मुझको वो वहां मिला था, आई फाउंड, अब यहां पे ही नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह खाली है। नाउन होता तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी राम वहां भी राम, प्रोनाउन में फैमिली बनी हुई है। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस आता है, हिम ही नहीं आता, ये फर्क है। नेक्स्ट सीमा के लिए आ जाओ, सीमा इज अ गुड गर्ल, स्टार्टिंग में क्या लिखा, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये डैश डैश इसके लिए, बट आपने अब ऑब्जेक्ट की जगह खा लिया तो शी नहीं लिख दोगे, इसकी फैमिली बनी हुई है प्रोनाउन की, सर्वनाम की, आई फाउंड हर। नेक्स्ट राम एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं, कोई बात नहीं, दो जने हो गए, प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए रिपीटेशन रोकते हैं। ये सब बच्चे पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनसे रिपीटेशन रोक की जाती है। आई फाउंड वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह खाली, आप दे नहीं, देम, तो ये आ गया। तो एक लड़के के लिए भी पता लग गया आपको, लड़की के लिए भी पता लग गया, ज्यादा हो गए उनको भी पता लग गया। नॉन लिविंग पे आ जाओ, नॉन लिविंग, दिस और दीज, ये एक डेमोस्ट्रेटिव टाइप है, जैसे नाउन की भी तो टाइप होती है, कॉमन प्रॉपर इनकी भी टाइप है, सब्जेक्ट तो ये भी बना हुआ है, बट टाइप अलग है। आई भी सब्जेक्ट बनता है, ही भी सब्जेक्ट बनता है, इनकी टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से एक है, तो नाम पड़ गया पर्सनल प्रोनाउन। दिस डेमोस्ट्रेट, इशारा करता है, ये चेयर है, दीज प्लूरल की तरफ इशारा करता है, ये चेयर्स है, कर दिया इशारा, एक बार कर दिया। अब रिपीटिशन रोको, बार बार चेयर नहीं बोलना, अब बोलना है ये महंगी है, ये एक चेयर है, ये बड़ी महंगी है, बोलो।
दोबारा दिस ना लिख देना, एक बार डेमोस्ट्रेट करते हैं, बाकी पर्सनल प्रोनाउन यूज करके रोको, रिपीटिशन, नॉन लिविंग। देखो नॉन लिविंग के लिए इट लिखा जाता है, दोबारा दिस नहीं, एक बार दे दिया, डेमोस्ट्रेट कर दिया। अब इट ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये बड़ी महंगी है, अब ऑब्जेक्ट की जगह पर रखो, आई फाउंड डैश, मुझे ये यहां मिली थी, आई फाउंड इट, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये चेयर्स हैं, प्लूरल हो गया, अब प्लूरल के लिए बोलो कि ये महंगी है, बार बार चेयर्स नहीं बोलना, ये महंगी है, दोबारा दिस मत लिख देना, फिर तो यहां दिस की जगह दोबारा दिस लिख लेते, इट क्यों लिखा, दोज कई कहते हैं, दोज लिख दो सर, अरे दोज दूर के लिए होता है, ये चेयर्स हैं महंगी दूर वाली हैं, अरे वही तो हैं, दोज भी नहीं आ सकता। तो डेमोस्ट्रेट का काम है, एक बार डेमोस्ट्रेट करना, प्लूरल की तरफ करना है तो दीज, सिंगुलर की तरफ करना है दीज। अब पर्सनल प्रोनाउन से रिपीटेशन रोको, ये क्वेश्चन नहीं होता बच्चों से, पता नहीं क्यों, जब नॉन लिविंग ज्यादा हो जाए, लिविंग सिंगुलर हो कर देंगे, लड़की हो कर देंगे, ज्यादा हो जाए कर देंगे, नॉन लिविंग सिंगुलर हो कर देंगे इट इट, जब नॉन लिविंग प्लूरल हो जाता है तो उनसे नहीं होता। तो मैं तुम्हें एक बताना चाहता हूं, दे किस लिए सीखा हुआ है, दे का मतलब बस ये होता है ज्यादा, ज्यादा, ये नहीं कि आदमियों के लिए यूज होगा, नॉन लिविंग के लिए भी दे ही बोला जाता है, बस एक प्लूरल चीज है ये, ये चेयर्स हैं, ये बड़ी महंगी है, दे, दीज नहीं लिख देना दोबारा, एक बार डेमोस्ट्रेट होता है फिर तो यहां भी दीज लिख लेते, इट क्यों लिखा, आई फाउंड देम, देखो देम आया। तो ये चीज सीखने वाली है, लिविंग ज्यादा हो तब भी दे देम, नॉन लिविंग ज्यादा हो तब भी दे देम, ज्यादा होना चाहिए बस, नॉन लिविंग सिंगुलर हो तो इट इट। तो आपको यहां से पता लग रहा है रिपीटेशन रोकने का, ठीक है, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी चीज है, ऐसा टॉपिक जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने वो प्रोनाउन है, इसी से पार्ट ऑफ स्पीच समझ आएगी, सब्जेक्ट की जगह पे या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन, रिपीटेशन कहां रोक रहा है, ये कई जगह चलता है, हर जगह नहीं, दो लाइनें दियो तब चलता है। तो ये सीख के दे दे हम रिपीटेशन रोकना, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छो आई आस्क फॉर परमिशन बट माई टीचर टर्न द परमिशन डाउन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो रिपीटेशन रोकनी है, वही बात, देखो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गई ना, अब दोबारा परमिशन की अगर बात होगी तो प्रोनाउन लगेगा, मैंने परमिशन मांगी लेकिन मेरी टीचर ने परमिशन मना कर दी, ये गलत है, टर्न डाउन एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, ये परमिशन बार बार मत लिखो। नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए क्या सिखाया था, इट सब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इट ही होता है, तो कौन सी जगह खाली है, सब्जेक्ट तो लिखा ही हुआ है सेंटेंस का, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट कई फ्रेजल वर्ब सेपरेट हो जाती है, ऑब्जेक्ट लिखने की बजाय उनके बीच में लिख दिया जाता है तो वर्ब के बाद ही, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये वर्ब है, टर्न्ड इट। नेक्स्ट, एक आदमी कह रहा है मैंने अपने चश्मे गुम कर दिए और मैंने अपने चश्मे मुझे बेड के नीचे मिले, अब देखो स्पेक्टेकल्स, नाउन में सिखाया था ये प्लूरल वर्ड होता है, बार बार चश्मे नहीं बोलना, देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह खाली है, दे नहीं आएगा, नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग के लिए दे देम सिखाया था, देम हो गया, ठीक, तो रिपीटेशन रोक दी, एक बार बात करी चश्मे की, दोबारा बात करी है तो आपने क्या लिखा, जो देम। नेक्स्ट ये देखो मोहन, ये देखना ऐसे कोमा में लगा हुआ है, ध्यान से देखो कोमा में क्या है, ये इसे कहते हैं नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नाउन अपोजिशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने लिख दिया नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया, दो नाउन साथ नहीं आ सकते, देखो मोहन और ब्रदर, ये बस ऐसी कोमा में उसी की परछाई है, नाउन अपोजिशन, उसी के बारे में एक फालतू की बकवास है, फालतू बात है बिल्कुल, मोहन जो ब्रदर है जो कि एमपी का, कोमा में रख दिया, मोहन जो कि एक अच्छा टीचर है, ये कोई वर्ब नहीं है, इसे मारना होता अगर वर्ब होती तो, एक उसी के बारे में एक अच्छा टीचर है, ब्रदर मिस्टर सोहन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अवर कंपनी, उसी के बारे में एक्स्ट्रा बात लिख दी, तो ये जो एक्स्ट्रा बात है ये तो फालतू की चीज है, इसे छुपा लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी सेंटेंस चल रहा है, तो इतनी दूर जाके मिला ही, बच्चे ने सोचा इतनी दूर जाके मिला है दोबारा बात हो रही होगी इसलिए ही लिखा है, जबकि वो समझा ही नहीं बच्चा कि अभी एक क्लोज भी खत्म नहीं हुआ, कब रिपीटेशन रोकनी है ये बताओ कब, अरे रिपीटेशन तब रोकनी है जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ जाए, एक क्लोज खत्म हो जाए, सेंटेंस नहीं एक सेंटेंस है वैसे भी, ये तब भी मैंने प्रोनाउन यूज किया हुआ है, सेंटेंस नहीं एक क्लोज खत्म हो जाए, दोबारा बात करें तो लगेगा, क्लोज खत्म हो जाए, क्लोज मतलब एक आदमी एक काम कर चुका हो, दोबारा वो कोई काम करेगा तो रिपीटेशन रोकनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना, जो रिपीटेशन रोकनी पड़ेगी अगर वो दोबारा वो काम करता है तो। अब ये सेंटेंस है मोहन बीइंग अ टीचर ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड, क्या करेंगे,
आपने सोचा कि काम हो गया, अरे एक भी वर्ब नहीं आई, अभी वर्ब चल रही है, खुद सोचो, मिस्टर मोहन हैज बीन सिलेक्टेड, ये ही क्या कर रहा है? तो बच्चे को इस तरह पागल बनाया जाता है, थोड़ी सी दूर रख देते हैं, अरे सेंटेंस तो अभी चल रहा है, खुद बोलो ये सही लग रहा है तुम्हें, मिस्टर मोहन ही। रिपीटिशन तब रोकनी है जब मोहन को दोबारा ना लिखना हो रहे, तो मोहन के साथ ही कैसे लिख दिया? नाउन और प्रोनाउन एक साथ थोड़ा लिखते हैं, या तो नाउन सब्जेक्ट बनता है या प्रोनाउन, दोनों कैसे बन सकते हैं? ये गलत। ही कब लिखो? जब मोहन के बारे में एक बात हो जाती तब ही आता, तो ये गलत। नेक्स्ट, मोहन इसने कोई काम कर लिया? अरे नहीं करा, ये तो उसके बारे में फालतू की चीज, ऐसे कोमा में लगाओगा, ठीक है? अभी तो ये वर्क कर रहा है, मिस्टर मोहन चुनाव लड़ेंगे, एक ही तो वर्ब आई है, बीच में ही क्या कर रहा है? ही तब आता जब ये वाली बात हो जाती, फुल स्टॉप लगता या कंजंक्शन लगती, एक सेंटेंस चल रहा है, थोड़ा दूर ही लिख दिया ही, सोचा बच्चे ने एक लाइन होगी, कहाँ होगी, अभी तो चल रहा है, सही लगेगा ऐसे मैं लिख दूं तो, राम ही विल, ठीक है, ये आपको सही लगेगा सेंटेंस, राम ही विल कॉन्टेस्ट, अरे एक लिखो राम लिखो या ही लिखो, ही लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, तो ऐसे इतनी दूर लिखा हो तो पागल नहीं हो ना, देख लेना कोई काम हुआ या नहीं, कोई वर्ब हुई या नहीं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। रिपीटिशन रोको, पर इतनी जल्दी तो मत करो रोकने की, डन, ठीक है, ये ही रिमूव कर दीजिए। चलिए, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, चलिए ये कॉन्सेप्ट करो, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है, एरर बताओ। सबसे पहले ये वहम रह देना, ये 1 2 3 वाले क्वेश्चन नहीं है, ये 2 3 1 का सोचो, उसमें 2 3 पर्सन होते हैं, ये एक ही आदमी है, नहीं तो आर ना लगा होता, 2 4 आदमी होते तो एक ही आदमी है, एरर क्या है? सबसे पहले बच्चा एरर कहेगा, सर या तो नाउन को सब्जेक्ट बनाओ या प्रोनाउन को, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, आपस में लड़ेंगे, मैं सब्जेक्ट हूँ या तू सब्जेक्ट है। पर ये रुक जाओ, एक बार सांस लो, ये मैंने कोमा में रख रखा है, ऐसे इकट्ठा नहीं रख रखा, ध्यान से रुक जाओ, क्या पता कोई और कॉन्सेप्ट हो, कोमा में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी भी दो नाउन सच में साथ नहीं आ सकते, तो फिर ये क्यों किया था? अभी जो क्वेश्चन किया था, राम ब्रदर ऑफ एमपी, ये राम और ब्रदर क्यों रखा था? ये उसी की परछाई है, उसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो रुक कर बोली जा रही है, राम ब्रदर ऑफ एमपी, रुक जाओ, कोमा में है तो आ सकते हैं, पर रुको, पहले प्रोनाउन फिर नाउन या पहले नाउन फिर प्रोनाउन, ये क्वेश्चन। अब कहोगे हमें तो यही सिखाया गया, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, अरे वो तब सीखा है जब एक सेंटेंस या एक क्लोज खत्म हो जाए, राम इज ए गुड बॉय बट ही, तब जाके ही लगवाने को सिखाई, ये वो कॉन्सेप्ट है। अरे बताए मुझे नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, वो तो रिपीटिशन रोकनी हो, यहाँ कौन सी रिपीटिशन रोकनी, अभी तो एक ही साथ लिखे हुए हैं, तो अभी दिमाग लगाओ क्या किया था हमने, राम जो कि ब्रदर है एमपी का, तो ये नाउन की परछाई बोला था ना, इस टॉपिक को बोला था मैंने नाउन अपोजिशन, नाउन की परछाई, तो ये टॉपिक भी नाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। अब तुम खुद बोल कर देख लो, चलो एक सेंटेंस बोलो, क्या अच्छा लग रहा है दोनों में से? मैं, रुक कर बोलेगा उसी के बारे में, रोहित एक अच्छा लड़का, या फिर ये रोहित जो कि मैं हूं, ये गलत है। एक अमरेंद्र बाहुबली वाली मूवी आई थी, उसमें भी बोलते हैं मैं यानी अमरेंद्र बाहुबली, ये सही है या ये सही है? अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, वो मूवी में बोलता है अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, वो बड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो डबिंग है, उन्हें ग्रामर से क्या लेना देना, बोलना क्या चाहिए, मैं अमरेंद्र बाहुबली, ऐसे बोलना चाहिए, पहले प्रोनाउन फिर नाउन, वो जो नाउन के बाद प्रोनाउन आता है वो अलग कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन रोकना, ये तो मैं उसी के बारे में फालतू की बात कर रहा हूँ कोमा में लगा के, तो ये सही है, पर कौन सा सही है? इधर बोलो, चलो राम जो कि वो है, अरे यार वो क्या नाम है उसका, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो दोनों, पर कोमा में लगाओगे, जैसे अभी लिखा था मिस्टर मोहन कोमा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अवर कंपनी, लिखे था ना दो नाउन, उसी के बारे में बकवास है, पर कौन सा ठीक है? ये वाला प्रोनाउन, ये नाउन, ठीक है ना, ये ठीक है, कोमा में नाउन रख सकते हो आप ऐसे। अब मुझे बताओ वर्ब की दिक्कत, अब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? आई तो एम लेता है, रोहित इज लेता है, बताओ, मैंने कहा ना ये फालतू की चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट आपका ये है, बोल के देख लो, मैं रोहित एक अच्छा लड़का है नहीं हूँ, आई हूँ लेगा ना एम, ये गलत है। ऐसे इन दोनों में से कौन सा गलत है जिसमें कोमा में प्रोनाउन, ये गलत है, राम जो कि वो है, ही वो क्या नाम है, राम एक अच्छा लड़का, ठीक है, ठीक है, ये कौन सा रिपीट, इकट्ठे नहीं आ सकते, मुझे पता है इकट्ठे नहीं है भाई, ये कोमा के अंदर है, उसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है बस एक्स्ट्रा, ये सही है। अब तो चाहे राम के लिए इज ही, वैसे ये सब्जेक्ट इज आएगा, ठीक है ये। नेक्स्ट, हम देखो, वी हम एक ऑर्गेनाइजेशन, हम एक ऑर्गेनाइजेशन, उसी के बारे में फालतू बात है, पर सब्जेक्ट आपका वी है, आर
तो ये कोमा में नाउन रखा करो, प्रोनाउन पहले आ जाएगा। आई मैं, बोलते हैं ना मैं तुम्हारा दोस्त, अरे उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये नाउन है। पर सब्जेक्ट आपका ये है जो बाहर है कोमा से, क्या आएगा एम लगी बात। तो नाउन प्रोनाउन साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल सही बात है, बट ऐसे कोमा में रख सकते हो, ठीक है। आगे इतनी बात, इस कॉन्सेप्ट को उससे मत नकल का जो अभी सीखा था, वो तो क्या था, कोमा में तो ये था ही ब्रदर ऑफ एमपी, ये तो राम कोमा ब्रदर ऑफ एमपी भी लिखा था ना, ऐसे ही मैंने लिख दिया रोहित, बस यहां राम की जगह ही लिख दिया, ठीक है। वो इधर जाके दोबारा ही लिखा हुआ था, यहां नहीं दोबारा ही, अरे ये तो चल उसके बारे में फालतू की बकवास होगी, ये ही क्यों लिख रहा है, ये कहां है कोमा में, तो बाहर था कोमा से हटाना था, ये अलग चीज है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट था। तो ये हमें थोड़ा और प्रोनाउन के बारे में पता लगा कि नाउन प्रोनाउन साथ आ सकते हैं, बट ऐसे कोमा में रख दो तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट ये माना जाएगा, ठीक है। इतना सा करो, ठीक है।